उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ जो गंगा आरती देखने गई थी उसके साथ 4 युवकों ने गैंग रेप किया है और गैंग रेप करने के बाद वीडियो भी बनाया, फिर उसे वायरल भी किया, जिसके वायरल होने के बाद ये लड़कियों का किसी लड़के ने वीडियो देख लिया, यानी भाई ने वीडियो देख लिया। इसी वीडियो को संज्ञान लेते हुए पुलिस को दिखाया और पुलिस ने महज 10 घंटों में के भीतर ये 4 दरिंदों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सूरज कुमार गुड और दूसरा गुड्डू गुड उर्फ सुनील गुड, तीसरा सुनील कुमार पटेल उर्फ नानक और चौथा नागेंद्र। इन 4 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो बनाकर अपलोड भी किया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद किस तरीके से जानकारी दी है हम आपको सुना रहे हैं, साथ ही में वीडियो सावधानी बरतते हुए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शुरुआत में बदतमीजी कर रहे हैं ये नौजवान का ग्रुप और किस तरीके से दरिंदगी की गई। लड़की जो बनारस घूमने आई थी और रात के समय वापस जा रही थी, तो 19 तारीख को 4 लोगों द्वारा इसके साथ दुर्व्यवहार रेप किए जाने की बात आज प्रकाश में आई रात में, और मात्र 10 घंटे के भीतर कमिश्नरेट पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की ने इस घटना के बाद कोई सूचना नहीं दी थी, लेकिन जो अपराधी थे इनका कोई एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके माध्यम से लड़की के चचेरे भाई को इसकी जानकारी हुई, तो उस माध्यम से बीती रात ये सूचना पुलिस को मिली और लगातार सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से 4 की शिनाख्त की गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन ये 4 जो है वो फूलपुर थाना क्षेत्र के पूरा रघुनाथपुर गांव के रहने वाले हैं। नहीं, इनका कोई रंजिश नहीं थी, इन्होंने लड़की को कुछ कमेंट किया तो लड़की ने गाली वाली दे दी थी और उसी के रिएक्शन उनके द्वारा किया गया। फिलहाल 4 गिरफ्तार हैं, जेल जा रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।